राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे अनुराधा पोडवाल के बारे में। भारतीय हिंदी सिने जगत की सबसे प्रतिभाशाली गायिकाओं में से एक। हिंदी सिनेमा में उन्हें गायकी के योगदान के लिए कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। अनुराधा एकमात्र ऐसी सिंगर हैं जो मंगेशकर बहनों को जो टक्कर देने की क्षमता रखती हैं। पृष्ठभूमि जो है, अनुराधा पोडवाल का जन्म 24 अक्टूबर 1956 को हुआ था। अनुराधा पोडवाल की शादी दिवंगत अरुण पोडवाल से हुई थी। उनका एक बेटा है आदित्य पोडवाल और बेटी है कविता पोडवाल। बेटा आदित्य पोडवाल का 12 सितंबर 2020 को महज 35 साल के उम्र में किडनी की दिक्कत से निधन हो गया। अपने करियर की शुरुआत जो है 1973 में उन्होंने फिल्म अभिमान से की थी, जिसमें उन्होंने एक श्लोक गीत गाया था। 1956 में एक काली चरण में गाने का मौका मिला, पर एकल गाने की शुरुआत हुई। फिल्म आपबीती में हेमा मालिनी और शशि कपूर से। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जिनके साथ अनुराधा ने कई प्रसिद्ध गाने भी गाए। उन्होंने संगीतकारों राजेश रोशन, जयदेव, कल्याणानंद जी के साथ भी जोड़ी बनाई। अनुराधा ने कभी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया था, यह कहते हुए कि उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने लता जी को सुनते और घंटों अभ्यास करते हुए अपने सुर बनाए थे। अनुराधा को फिल्म हीरो के गानों की सफलता के बाद लोकप्रियता मिली और उनकी गिनती शीर्ष गायिकाओं में की जाने लगी। इस फिल्म में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जोड़ी बनाई। हीरो फिल्म की सफलता के बाद इस जोड़ी ने कई और फिल्मों में गाने गाए, जैसे मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन, आखिरी और तेजाब। इसके बाद उन्होंने टी सीरीज के गुलशन कुमार के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने नए चेहरों को बॉलीवुड में दाखिला दिलाया। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं: उदित नारायण, सोनू निगम, कुमार सानू, अभिजीत, अनु मलिक और नदीम सरवण। अनुराधा पोडवाल को अपनी सफलता के साथ कुछ विवादों का सामना भी करना पड़ा। उनके पति अरुण की मृत्यु के बाद उनकी और गुलशन कुमार के रिश्तों पर भी अफवाह उड़ने लगी। वहीं अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने सिर्फ जो हकी सीरीज के साथ काम करने का ऐलान किया था। इसका फायदा जो है उनको अलका याग्निक को मिला। अनुराधा पोडवाल ने फिल्मों से हटकर भक्ति गीतों पर ध्यान देना शुरू किया। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत से सफल भजन गाए। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने विश्राम ले लिया। 5 साल बाद फिर से पार्श्व गायन में आ गई। हालांकि उनका लौटना उनके लिए सफल साबित नहीं रहा। अनुराधा पोडवाल को संगीत के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने 4 बार फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किए और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। अभी फिलहाल भी वो जो है भक्ति संगीत गाती हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए अपने चैनल।